सुप्रभात हिमाचल, तो उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के इस सिलसिले को। रोहतांग पांगी समेत कई चोटियों पर हुआ हिमपात, कोकसर में सैलानियों ने लिया बर्फबारी का लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों रोहतांग और पांगी सहित कई चोटियों पर पिछले कल बर्फबारी हुई। आज भी प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 11 दिसंबर यानी कल मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। राजधानी शिमला सहित कई अन्य क्षेत्रों में पिछले कल मौसम साफ बना रहा। जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं किलाड़ मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। नकली दवा बनाने वाले आरोपी 22 तक न्यायिक हिरासत में। ड्रग विभाग ने पिछले कल नकली दवा का निर्माण करने वाले आरोपी मोहित बंसल, विजय कौशल, अतुल गुप्ता और नरेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विभाग के अनुसार यूपी के आगरा निवासी मोहित बंसल नकली दवा को तैयार करता था। वहीं मोहित बंसल नकली दवा बनाकर यूपी निवासी मोहम्मद इदरिश को सौंप देता। इदरिश बद्दी के ओमैक्स अपार्टमेंट में पत्नी के साथ रहता और वो नकली दवाओं को ठिकाने लगाता, साथ ही कच्चा माल भी सप्लाई करता था। विभाग और पुलिस ने इदरिश के फ्लैट पर दबिश दी, लेकिन उसके कमरे में ताला लटका हुआ था। मोहित बंसल कुछ दवाएं आगरा में अपनी दुकान में भी ले जाता था। वहीं आपको बता दें कि विभाग को इदरिश की तलाश है और कई बार उसके मकान में दबिश भी दी गई है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटे शीर्ष अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के शीर्ष अधिकारी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में पिछले कल अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार के कई प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री का चेहरा और मंत्री तय होते ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। बेशक अभी कांग्रेस विधायक दल में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए घमासान चल रहा है, बावजूद इसके सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं परंपरा के अनुसार यह शपथ ग्रहण समारोह शिमला के रिज मैदान पर ही होगा। इसके लिए क्या क्या करना है और उस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान ने सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ पिछले कल लंबी मंत्रणा की। हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का बिल लोकसभा में पेश। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विधेयक पिछले कल केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में यह बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू हो जाएगा। यह सभी कार्य मौजूदा शीतकालीन सत्र में पूरे हो जाएंगे। इस बिल में हिमाचल प्रदेश की जनजाति सूची में संशोधन करके हाटी जनजाति को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस और भाजपा के नए विधायकों के आपराधिक मामलों का बड़ा ग्राफ एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के चुने हुए विधायकों के आपराधिक मामलों के ग्राफ में इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में यह ग्राफ 32% था, वर्ष 2022 में बढ़कर 41% हो गया है। गंभीर आपराधिक मामलों में भी इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में यह 12% था, वर्ष 2022 में बढ़कर 18% हो गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने इसका खुलासा किया है। एडीआर ने चुने हुए नए 68 विधायकों की संपत्ति के ब्यौरे की रिपोर्ट भी जारी की है। इसमें 63 विधायक करोड़पति हैं। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 40 प्रत्याशी चुनकर आए हैं। इनमें 23 विधायकों पर घोषित आपराधिक मामले हैं, जबकि 9 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी तरह भाजपा के चुने हुए 25 में से 5 विधायकों पर घोषित आपराधिक मामले, जबकि 3 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बलवीर वर्मा 128 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह 101 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। दूसरी ओर नगरोटा भगवान से कांग्रेस विधायक आरएस बाली के पास 92 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह जानकारी राज्य संसाधन केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर ओपी भुरेटा ने जारी की है। तीसरी बार चेक होंगे छात्रों के पेपर, रीचेकिंग में 3 से 4 अंकों से फेल, 10% तक बढ़ेंगे अंक।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खराब रिजल्ट को लेकर अभी छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। कारण यह कि HVU की कमेटी को जो काम सौंपा गया था उसमें प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन कॉलेजों में ज़्यादा छात्र फेल हुए हैं वहां पर यह पाया गया है कि अधिकतर छात्र 3 से 4 अंकों से रह गए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी यह साफ नहीं किया है कि ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, लेकिन अब यह तय है कि यदि ऐसे छात्र हैं जो रीचेकिंग में 2 से 3 और अधिकतम 5 अंकों से फेल हैं उन्हें पास होने के लिए 10% तक अंक मिल सकते हैं। हिमाचल में आज हटेगी आचार संहिता, विकासात्मक कार्यों के साथ भर्तियों के रिजल्ट से हटेगी रोक। हिमाचल प्रदेश चुनावों को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता आज शाम को हट जाएगी। ऐसे में प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों पर लगी रोक भी आचार संहिता के कारण हट जाएगी। हालांकि प्रदेश में अब नई सरकार के बनने से नई गतिविधियां होंगी। ये गतिविधियां नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही शुरू हो पाएंगी। इसके अलावा प्रदेश में ग्राम पंचायतों में लगी ग्राम सभाओं पर भी रोक भी हट जाएगी। आचार संहिता के कारण कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग व विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भर्तियों के लिए करवाई गई परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। नई सरकार बनते ही हिमाचल में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनते ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। पहले जिला उपायुक्तों को बदला जाएगा, उसके बाद सचिवालय के अधिकारियों के महकमे बदले जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी के नेता भी निगम और बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लेकर गोटियां फिट करने में लग गए हैं। शोर था OPS का, भाजपा को मिली पोस्टल लीड। पोस्टल बैलेट में भी भाजपा रही आगे। 11 प्रत्याशी चुनाव जीतकर बने विधायक। इस चुनाव में बेशक कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन को मुख्य मुद्दा बनाया हो, लेकिन पोस्टल वोट की हकीकत कुछ और ही दिख रही है। करीब 13 सीटों पर भाजपा विधायकों की पोस्टल के जरिए कर्मचारियों के ज़्यादा वोट मिले हैं, यानी इनकी सीटों पर पोस्टल वोट की लीड भाजपा की तरफ है। इनमें से 11 सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने जीती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज में उन्हें पोस्टल से सर्वाधिक लीड मिली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में ओल्ड पेंशन का मुद्दा चुनाव परिणाम बदलने लायक था। अगर चुनाव नतीजों की बात करें तो मंडी की सुंदरनगर सीट पर राकेश जम्बाल को 1019 पोस्टल वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 719 वोट मिले। इसी तरह सुलह विधानसभा क्षेत्र में विपिन परमार को पोस्टल 830 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 170 वोट ही मिले। श्री नैना देवी सीट की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा को 525 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को 499 पोस्टल वोट मिले। यह सीट रामलाल ठाकुर महज 145 वोट से हार गए। पोस्टल वोट रामलाल को भी हार से नहीं बचा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में तो नया रिकॉर्ड बना। यहां 1486 पोस्टल वोट जयराम ठाकुर को मिले और सिर्फ 310 वोट कांग्रेस के पास गए। कौन होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री, कांग्रेस आलाकमान करेगा तय, आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी आलाकमान लेगा। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया। वहीं आज रिपोर्ट आलाकमान को भेजी जाएगी। दिन भर चले हंगामे के बाद पिछले कल रात 10 बजे विधायक दल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सभी मौजूद 40 विधायक सहमत हुए। बैठक में किसी भी नाम पर सहमति बनती नहीं दिखी तो यह फैसला लिया गया। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।